हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा यूएफए वुमेन्स चैंपियनशिप लीग का, जो कि होने वाला है बार्सिलोना वुमेन वर्सेस रोजनगार्ड वुमेन के बीच। एक्चुअली ये मैच अच्छा था तो मैंने रियल मैड्रिड का स्किप करा दिया, क्योंकि वो 2 बजे था, लेट नाइट लोग खेलते नहीं है, क्योंकि भाई वर्क डेज चल रहे हैं, वर्किंग डेज। वीकेंड होता तो शायद मैं कवर कर लेता, लेकिन लोगों ने शुक्रवार को भाई काम पे भी जाना होता है, तो ऐसी बात नहीं, मैं इसलिए लेट नाइट कवर नहीं कर रहा। अब कई लोग बोलेंगे भाई तू 1:30 बजे टीम दे दे, कई बार मैं इसलिए नहीं देता भाई, लाइनअप्स बदल जाती हैं। उस दिन मैंने रात को टीम दे दी 40 मिनट पहले, सुबह उठा टीम लगा के सो गया, एक मेरा डिफेंडर खेल नहीं रहा था, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा यार देखो, एक मतलब एंड तक जागना पड़ता है, लाइनअप्स कभी भी बदल जाती है, दैट्स वाई रात को होता है ऐसा ज़्यादातर, इसलिए ठीक है। बाकी बार्सिलोना रोजनगार्ड की बात करें तो बार्सिलोना टीम इज़ अमेजिंग टीम, रोजनगार्ड तो इनके नेड़े तेड़े भी नहीं है भाई, बाल भी नहीं है इनकी, तो नेचुरली यहाँ पर बार्सिलोना जीतेगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें इस मैच की, लेके चलते आपको टीम की। अब शुरू होती है गाइस मेन बात, तो हम चलते हैं स्ट्राइकिंग सेक्शन पे। स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब बार्सिलोना टीम के पास तो कमी नहीं है, ना मिडफील्डर की, ना डिफेंडर, ना स्ट्राइकर। सबसे पहले मैं बात करूं इनकी पहली प्लेयर की, जिसका नाम है सेल्मा। सेल्मा ने क्या ही दिल जीता था पिछले मैच में, 23 नवंबर के मैच में EF के खिलाफ। इस लड़की को मैंने कहा था कि 100% आप ले सकते हो, और लड़कों और आप लोगों ने लिया भी, और अमेजिंग 2 गोल करके गई, 2 या 3 होने लगे थे, बट उसने उसके बाद उसने ट्राई नहीं किया ज़्यादा, इसलिए। तो आगे से बात करें सी ग्राहम हैंसन की, ग्राहम हैंसन खेलेगी तो ज़रूर लेना, क्योंकि ऑशोवाला अमेजिंग है, डोमेस्टिक लेवल्स के अंदर अमेजिंग है, इंटरनेशनल लेवल के अंदर अमेजिंग है, तो ये तो एक डोमेस्टिक लीग है जिसमें ओशवाला और सेल्मा तो बहुत ही अच्छा खेलती हैं। ग्राहम हैंसन तो नेक्स्ट लेवल है ही, लेकिन ये भी बढ़ रही हैं, लेकिन ओशवाला तो मैं कहूँगा ओशवाला इनसे भी आगे निकल सकती है, उसको चांस नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या करें चलो। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें, स्प्रंग को लो, रोजनगार्ड की एक ही प्लेयर है स्प्रंग, नहीं खेलेगी तो चुपचाप से डिफेंडर ले लेना, ज़बरदस्ती मत करना कि स्ट्राइकर के बदले स्ट्राइकर ही लेनी है, ये चीज़ मत करना इस मैच में। आगे से बात करें मिडफील्डिंग की, बॉनमती को कई लोग कप्तान रख के बहुत अच्छा जीत रहे हैं, तो ये आपकी किस्मत अच्छी है दोस्तों कि आप बॉनमती को कप्तान रखते हो और वो उस दिन गोल असिस्ट कर जाती है, लेकिन बॉनमती का कभी भी फ्लॉप चालू हो सकता है। आप बॉनमती को इतनी बड़ी खिलाड़ी पता नहीं क्यों समझे बैठे हो, कि जो मैं देखता हूँ भाई, हर बंदा हर ओपोनेंट कप्तान रखता है बॉनमती को, और इसकी बड़ी पूछ है भाई एलेक्सिया प्यूटल्स की, अब देख के करो, इतना ज़्यादा इतना ट्रस्ट अच्छा नहीं होता भाई, मेरे कहने से तो ये अच्छा है, इतना ट्रस्ट अच्छा नहीं होता। तो आपको बात करूँ, मैं तो मैरियोना को ही लूँगा। अब कहीं लोग बोले तो नहीं प्यूटल्स नहीं लिया, प्यूटल्स को जब लेना होगा देखेंगे, जब पिछले मैच में वो लड़की खेली नहीं तो भाई कैसे ले लें, और गुजैरो इतना अच्छा प्रदर्शन दे नहीं रही, ठीक है, सी पीना भी इतना अच्छा प्रदर्शन दे नहीं रही, बाकी प्लेइंग 11 में आकर पता चलेगा, अभी कहना तो बेकार है। अब लड़की 10 मिनट के लिए खेलने आती है सब्स्टिट्यूशन पे, उसमें क्या जज करूँ भाई, 10 मिनट में तो यहाँ कुछ जज नहीं होता, मैं तो भाई फुटबॉलर को जज कहाँ से कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद लॉर्सन को लेंगे, रोजनगार्ड की मेन असिस्टर, रॉल्सन के बाद हमने एक प्लेयर इनकी एस ब्रेडगार्ड, इसको ले लो, गोल करेगी तो भी ठीक है, नहीं करेगी तो भी, क्योंकि ब्रेडगार्ड के गोल आने के चांसेस हर मैच में रहते हैं, दैट्स व्हाई मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। उसके बाद ई जेनसन भी अच्छी है, ये जीएल वाले ट्राई करेंगे। बात करें डिफेंडिंग की, बैटल के बाद ब्रॉन्स, आई एंगन को लेना लेनो, बट आई एम गोइंग विद लियोन, ठीक है, मेरे को लियोन से बहुत एक्सपेक्टेशंस है भाई ज़्यादा। उसके बाद गोलकीपिंग सेक्शन की बात करें, यहाँ पर है मुकासा, रोजनगार्ड की प्लेयर मुकासा, देखते हैं कैसा खेलती है, क्योंकि ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारी टीम की यहाँ पर सेल्मा पुरव ले लो, एंड वाइस कैप्टन जो है वो हमारी है सी ग्राहम हैंसन। तो ये हमारी टीमें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।